ऑफ बॉटनी एग्रीकल्चर कृषि उपयोगी पौधों की खेती मतलब कि कल्टीवेशन ऑफ यूजफुल प्लांट्स। एग्रोनॉमी स्टडी ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन एंड फार्म मैनेजमेंट। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर। एफिडोलॉजी स्टडी ऑफ एफिड्स प्लांट लाइस यानी कि पौधे में जू की स्टडी को बोलते हैं एफिडोलॉजी। कैरसिनोलॉजी स्टडी ऑफ क्रस्टेशियंस यानी कि क्रस्टेशियन की अध्ययन को क्रैंकिलॉजी भी बोला जाता है। ब्रायोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ रिलेटेड प्लांट बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। सीनोडोलॉजी स्टडी ऑफ कोइलिनेट्रेट्स। कॉन्कोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स सिक्रेटेड बाय मेंटल एज इन मॉलिकल्स। डेंड्रो क्रोनोलॉजी काउंटिंग एंड एनालाइजिंग द एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्रीज। इकोलॉमिक जूलॉजी स्टडी ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स। इंटेमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इथोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स ऑफ इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल स्टिम्यूली। इग्यूनिक स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रेस। इकोनॉमिक बॉटनी स्टडी ऑफ कॉमर्शियली यूजफुल प्लांट्स। इडेफोलॉजी पेडोलॉजी जिसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉयल पेडोलॉजी भी बोला जाता है या फिर इडेफोलॉजी भी बोला जाता है। इंथोबॉटनी बॉटनी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमंस एंड प्लांट्स। फ्लोरिकल्चर कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग एल्डिंग प्लांट्स। फॉरेस्ट्री स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट्स। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्किड्स एंड गार्डन्स। हेल्मी मिथोलॉजी स्टडी ऑफ वर्म्स राउंड एंड फ्लैट वर्म्स। हर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फेबियंस। इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस। लेपिडोट्रियोलॉजी स्टडी ऑफ मोथ्स एंड बटरफ्लाइज। लाइकनोलॉजी स्टडी ऑफ लिकेन्स। लाइमनोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी। मैमिलोलॉजी स्टडी ऑफ मैमस। माइरिमेलॉजी स्टडी ऑफ एंट्स। पैलेंथोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन फिसल्स स्टडीज। पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। प्रोटिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोस्टिट्स। फाइसियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ। फाइटोग्राफी ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द डिस्क्रिप्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट पार्ट्स। पोमोलॉजी साइंस डीलिंग विद फ्रूट्स एंड फ्रूट एल्डिंग प्लांट्स। सोरोलॉजी स्टडी ऑफ लिजार्ड। टर्मिकोलॉजी स्टडी ऑफ टर्माइट्स। जूटोमी डिस्क्रिप्शन एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स जानवरों का विच्छेदन और शारीरिक रचना। नोबेल प्राइज विनर इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन अरविंद कार्लसन। 2000 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। प्रूव दैट द डोपामाइन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन हुज डिप्लेशन लीड टू द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। साबित किया गया कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसकी कमी से पार्किंसंस रोग के लक्षणों में का जन्म देती है। पॉल ग्रेनेड इनको भी 2000 में दिया गया था। इन्होंने बताया कि कैसे न्यूरो ट्रांसमीटर सेल पर कार्य करते हैं और DARPP32 के रूप में जाने वाले केंद्रीय मोल को सक्रिय कर देते हैं। इरिक आर कंडेल इनको भी 2000 में दिया गया था नोबेल प्राइज़। इन्होंने बताया कि आणविक स्तर पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति कैसे बनती है। लीलैंड एच हार्टल आर टिमोथी हंट एंड सर पॉल एम नर्सरी इन्हें 2001 में दिया गया था। सेल साइकिल के नियमन में साइकिल और साइक्लिक आश्रित किसने और केंद्रीय अणु की खोज के लिए दिया गया था। रॉबर्ट जी एडवर्ड को 2010 में दिया गया था प्रयोगशाला में निषेचन का प्रकाश विकास के लिए।
ब्रूस ए बटलर, जूलिस ए हॉफमैन, रफ एम एस्टेमैन, इनको 2011 में दिया गया था डिस्कवरी ऑफ द डेंड्रिटिक सेल्स एंड इट्स रोल इन एडेप्टिव इम्यूनिटी के क्षेत्र में। सर जोहन बी गर्डन और सियाना यामानका, इनको 2012 में दिया गया था डिस्कवर्ड दैट द मैच्योर सेल्स कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू बिकम प्लूरीपोटेंट। जेम्स ई रॉथमैन, रैंडी डब्ल्यू सैकमैन एंड थॉमस सी सीडॉफ, इन्हें 2013 में दिया गया था डिस्कवरी ऑफ मशीनरी रेगुलेटिंग व्हीकल्स ट्रैफिक अ मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर सेल। जॉनो केटे, मे ब्रिट मोर्सर, एडवर्ड आई मोजर, इन्हें 2014 में दिया गया था डिस्कवरी ऑफ सेल डैट कंसेक्यूटिव अपोजिशन सिस्टम इन द ब्रेन। योशिनो री ओ सुमी, 2016 में दिया गया था डिस्कवरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फॉर ऑटोफैगी। 1632 से 1723 में एंटिनो वैन लुवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया था। 1665 में रॉबर्ट हुक को डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए दिया गया था। 1762 से 1858 में रॉबर्ट ब्राउन को डिस्कवरी ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट के द्वारा के लिए दिया गया था। 1837 में जेई परकिंजे को दिया गया था यूज्ड फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए दिया गया था। 1838 से 1839 में सेल्डन एंड स्वान को दिया गया था प्रपोज्ड सेल थ्योरी के लिए। सेल्डन जो है वो प्लांट सेल का डिस्कवर किए थे और सैकवन एनिमल सेल के बारे में बताए थे। 1841 में रॉबर्ट रिमार्क को दिया गया था डिस्क्राइब द एमिटोटिक सेल के डिवीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। 1843 में क्लाउडियो को दिया गया था फर्स्ट रिकॉग्नाइज द राइबोसोम्स एज बेसोफिलिक ग्रेनुअल्स रिच इन न्यूक्लिक एसिड। 1858 में वीरको को दिया गया था स्टेट दैट से ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। 1800 से 1885 में मिलने एडवर्ड को दिया गया था एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल ऑफ द बॉडी। 1866 में ग्रेगर जोहन मेंडल को दिया गया था फॉर द जेनेटिक प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। 1868 में हेलक्सले को दिया गया था प्रपोज्ड दैट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ।